डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हरदोई के संडीला में एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बहुत तेज मिर्ची लगी है, उपचुनाव में उन्हें करारी पराजय मिली है और उस जख्म को वो सहला नहीं पा रहे हैं। पूरा संभल जानता है कि जिले में कोई दंगा नहीं हुआ था, सपाइयों ने ही आपस में लड़ाई की है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है और वो सैफई की ओर रवाना हो गई है। वहीं मस्जिदों के सर्वे पर कहा है कि अगर कोई कमीशन नियुक्त हुआ है तो जांच करने जाएगा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी हुई उपचुनाव में करारी पराजय और उस जख्म को वो सहला नहीं पा रहे हैं। ये पूरा संभल जानता है और आप सब भी शायद कुछ खबर पा गए होंगे कि संभल में कोई दंगा नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी में गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई होते हैं, पर अब उन्हीं सपाइयों ने आपस में लड़ाई किया, आपस में एक दूसरे को मार डाला। अब वो 5 लाख रुपए का मुआवजा और प्रतिनिधिमंडल भेजने की नौटंकी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 लाख क्यों देते हो आप, 5-5 करोड़ दे दो। ये तुम्हारा मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का नया मॉडल है।